हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। पीछे बहुत सारा मैस देख रहे होंगे। अभी हम जस्ट कनाडा वापस लौटे हैं इंडिया घूमकर। तो मैं आज का जो वीडियो है उसमें आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है जब से आप एयरक्राफ्ट से उतरते हो। अगर आप कनाडा पीआर में आ रहे हो, विजिटर वीज़ा में आ रहे हो, वर्क परमिट में आ रहे हो, या आपके पेरेंट्स अगर आ रहे हैं यहाँ पे कनाडा, तो उन लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगा ये वीडियो देखकर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो वीडियो जो है अंत तक देखो। मेरा मन था कि मैं आपको जो ये पूरा व्लॉग दिखाऊं, एक्सपीरियंस दिखाऊं लैंड करने के बाद, लेकिन बेटी को लेके आना, इतने सारे लगेज को लेना, करीब 4 कार्टन बॉक्स था मेरे पास जो आप लोगों ने वीडियो में पहले देखा होगा, 4 सूटकेस, ये सब मैनेज करने में जो है मेरे को पता नहीं बाकी लोग कैसे व्लॉग मैनेज करते हैं, मेरे को ये मैनेज करने में ही टाइम निकल गया। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में सब कुछ फ्रेश है, मैं आप लोगों तक ये डाउनलोड करना चाहता हूँ और आपको ये पूरा प्रोसेस जो है एक एक करके बताता हूँ। तो ज़रूर देखना अंत तक और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और ज़रूर ये वीडियो को शेयर करना बाकी लोगों के साथ। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होता है कनाडा में, मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ, एंड आप कहीं पर भी लैंड कर रहे हो, प्रोसेस जो है आपका ये सेम रहेगा। तो टोरंटो में जैसे ही लैंड हमारा एयरक्राफ्ट हुआ और हम लोग एरो ब्रिज क्रॉस किए, राइट एट द एग्जिट, एरो ब्रिज के एग्जिट पर CBSA, जो कि कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी, इनके 2 ऑफिसर्स खड़े थे और ये लोग बकायदा हर किसी का डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। जैसे कि मैं 2019 में PR में आया था, तो मेरे पास PR कार्ड और पासपोर्ट, ये दोनों था, उन लोगों ने चेक किया और मेरे से ज़्यादा सवाल किया नहीं। लेकिन अगर आप पहली बार लैंड कर रहे हो तो आपको ये ग्रीटिंग जरूर मिलेगा, दैट इज वेलकम टू कनाडा। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल तरीके से ये लोग आपको विश करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आप विजिटर वीजा में आ रहे हो, तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है, वहाँ पे लोगों से बकायदा पूछा जाता है कि आप कितने दिन के लिए कनाडा में आ रहे हो और आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। और यहाँ पे मैं देख रहा था काफ़ी लोग कॉन्फिडेंट थे, शायद पहली बार ट्रैवल नहीं कर रहे थे कनाडा, देवर पेरेंट्स जो कई बार आ जा चुके थे, बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे थे अपने बच्चों के यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और डॉक्यूमेंट में भी उनका शायद वीज़ा स्टैंपिंग पहले से ही था, तो ज़्यादा सवाल नहीं हुआ। कुछ लोग अंग्रेजी में स्ट्रगल कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आ रहे हों या आपको दिक्कत आ रहा हो, तो थोड़ा कंफर्टेबली आप बात करो, एंड आसपास अगर कोई बात करने वाला है तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। काफ़ी पोलाइट रहते हैं CBSA वाले, वो आपको किसी तरह से डराते नहीं है जब तक आप सब कुछ सही सही कर रहे हो। इन केस उनको डाउट होता है, देन वो आपको अलग प्रोसेस के लिए भेजेंगे। तो मेरे फ्लाइट में मैंने किसी को अलग प्रोसेस में जाते हुए नहीं देखा। अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हो तो आपका अगेन डॉक्यूमेंट्स चेक होगा और फिर आपको अगले स्टेप के लिए जाने दिया जाएगा। तो बेसिकली ये है एरो ब्रिज के एग्जिट में जो सबसे पहला प्रोसेस है। उसके बाद आप भेड़ चाल में चलते रहो, लोग जहाँ चल रहे हैं, चलते चलते आपको एक एक्सप्रेस काउंटर मिलेगा सिक्योरिटी चेक के लिए। तो ये बेसिकली एक्सप्रेस काउंटर हम लोग एरो ब्रिज से जैसे ही निकले, थोड़ी दूर में हमको मिल गया था, लेकिन टोरंटो एयरपोर्ट में ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे CBSA का वापस चेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे भी है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था, तो सब ऊपर ही भीड़ लगा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ये ATM मशीन की तरह है जो हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपके 3 काम होते हैं। पहला, आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मेरे केस में मैंने PR कार्ड स्कैन किया, जैसे ATM मशीन में ATM कार्ड डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक स्लॉट दिया, वहाँ जाके आप अपना कार्ड रख देते हो। वहाँ पे किस तरीके से रखना है वो भी लिखा हुआ है, आपको बस उसी हिसाब से रखना है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, मैं गलती कर रहा था, गलत रख रहा था, तो मेरे को लगा शायद मेरा कार्ड वर्क नहीं कर रहा, फिर मैंने जैसे ही तरीके से रखा, काम हो गया। तो आप जो है, अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 बार ट्राई करो, हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस बहुत सारे हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो मेरे से इंग्लिश में सवाल किया। अगर आपके नॉन लैंग्वेज में कोई आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिक चीज़ें उसमें पूछा जाता है कि आप कहीं फायर आर्म तो नहीं लेके आ रहे हो, आप कोई रॉ फूड आइटम तो नहीं लेके आ रहे हो। तो अगर आपके पेरेंट्स या आप
इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो मेक श्योर आपके पास रॉ फूड, रॉ नट्स नहीं हो। हमारे पास खाने के आइटम थे बट कोई भी रॉ आइटम नहीं था, हमने अच्छे से पैक किया हुआ था, हम पिकल नहीं लेके आए। तो स्पेसिफिकली जो है मैं बताऊंगा आपको आगे क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो घी लेके आया था, तो उसका घी जो है वो जब्त हो गया था। इस बार नहीं, बट वो पिछले बार जब आया था तब उसके साथ हुआ था। तो ये अगेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो आप एक बार लिस्ट देख लेना क्या लेके आ सकते हो, क्या नहीं लेके आ सकते हो। तो एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसमें डिक्लेयर करना होता है आप वैल्यूबल लेके आ रहे हो, नहीं लेके आ रहे हो। हमारे केस में हम लेके आ रहे थे तो हमने वो डिक्लेयर किया, और कितने वैल्यू का है वो भी डिक्लेयर किया। तो ये एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमको एक स्लिप जो है ऑटोमेटेड स्लिप आ गया, और उस स्लिप को लेके हम लोग फिर भेड़ चाल में निकल लिए जहाँ पे सब जा रहे थे। ये लाइन जो है एक ही जगह जाता है, और इसको बिल्कुल घुमा फिरा के जलेबी की तरह बना के रखा हुआ है। आप सिर्फ चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, और आपको CBSA के लोग वहाँ पे नीचे मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स अलग से मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट करेंगे कैसे जाना है। तो आप जब वो लाइन से निकलते हो तो आपका पर्चा चेक होता है, और पर्चे के हिसाब से आपको डायरेक्शंस बताते हैं आपको किस साइड जाना है। हमारे केस में क्योंकि हमने वैल्यूबल डिक्लेयर किया था तो हमको CBSA के काउंटर पे भेज दिया। दो तीन लाइक है, अगर आप जैसे मैं पहली बार 2019 में जब लैंड हुआ था तो सीधा इमिग्रेशन काउंटर में भेज दिया था, जहाँ पे हमारा COPR चेक हुआ, डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ, उसके बाद गुड्स जो हम लोग लेके आ रहे थे उसके लिस्ट पे हमने हमने ऑफिसर को पकड़ाया। उसने वहाँ पे सील किया कि ये गुड्स जो है हम अपने साथ लेके आए, और गुड्स टू फॉलो वाला लिस्ट जो है उस पर भी हमने सील लगवा दिया था। ये 2019 की बात है। तो अगर आप पहली बार लैंड कर रहे हो तो आपके लिए टिप्स है कि जितना भी आपके पास गुड्स है आप लेके आ रहे हो या नहीं लेके आ रहे हो वो लिस्ट में डाल दो, क्योंकि इसका फ़ायदा आगे मैं आपको जाके बताऊंगा। तो ये इमिग्रेशन वाला हो गया। हमारे में इस बार हमको CBSA के ऑफिसर के पास भेज दिया गया। वहाँ पे उसने हमसे पूछा कि वैल्यूबल कितने का है, क्या लेके आए हैं, तो हमने एक बार वो सब बताया। उसके बाद उसने बोला कि आप अपना लगेज कलेक्ट करके आपको CBSA का ऑफिसर जो है अलग दफ्तर में भेजेगा, वहाँ पे आप जाके उनके कलीग से मिल लेना। तो इस प्रोसेस के बाद हम लोगों ने अपना लगेज कलेक्शन के लिए हम लोग निकल गए। यहाँ पे जितने भी कन्वेयर बेल्ट थे जो जहाँ से लगेज कलेक्ट करते हैं, एक अजीब बात हुई, कोई भी कन्वेयर बेल्ट में लगेज नहीं था। जब तक हम पहुँचे हमने देखा कि हमारा जो असाइंड कन्वेयर बेल्ट है जहाँ से बैगेज कलेक्ट करना था, वहाँ से सब निकाल के बिल्कुल तरतीब से हर किसी का सूटकेस एक के बाद एक लाइन पे लगा दिया था जमीन पे, और हमारे कार्टन बॉक्स थे वो दूसरे जगह था। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कर रहा था लोगों को जो आ रहे थे, क्योंकि सब कन्वेयर बेल्ट की तरफ देख रहे थे, खाली था और सूटकेस इतने सारे पड़े हुए थे, वो कौन से फ्लाइट का था पता नहीं चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैंने देखा टोरंटो एयरपोर्ट के अंदर। लकीली हमारा सूटकेस वो हमको मिल गया, और कार्टन बॉक्स तो दूर से ही दिख रहा था हमको। तो हमने जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ लोग सूटकेस ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मलयाली कपल था जो काफ़ी एल्डरली थे, वो ट्राई कर रहे थे, उनको लगा कि मेरे को शायद मलयालम आता है तो मेरे से आके बात किए। मेरे को मलयालम बिल्कुल बोलना नहीं आता है पर मैं थोड़ा बहुत समझ रहा था वो क्या बोल रहे थे। वो जब आए फ्लाइट में तो शायद उनके बच्चों ने फेसबुक ग्रुप या कहीं किसी ग्रुप में बात किया हो कि भाई कोई साथ में आ रहा है तो आप हमारे पेरेंट्स को अकम्पनी कर लेना टोरंटो एयरपोर्ट तक, काफ़ी सारे लोग करते हैं। अब क्या होता है, इनके साथ ये आए थे विजिटर वीज़ा में, और इनके साथ जो दूसरा ग्रुप था वो आया था वर्क परमिट में। तो वर्क परमिट वालों का प्रोसेस अलग है, विजिटर वीज़ा वालों का प्रोसेस अलग है। इन लोगों को जल्दी छोड़ दिया गया जो ये सीधा कन्वेयर बेल्ट में अपना लगेज कलेक्ट करने आ गए, और वो जो कपल थे वो अपना प्रोसेस कर रहे थे। तो ये हो गए दोनों अलग। इनका व्हाट्सएप वाईफाई कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो दे वे स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट, उनको मलयालम के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आ रहा था। लकीली मेरे को थोड़ा बहुत वो क्या बोल रहे थे समझ में आया, मैंने उनको वाईफाई कनेक्ट करके हेल्प किया।
मेरे पास मेरा खुद का कनाडा नंबर था, तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ से बात कर सकते हो। तो आप अपने पेरेंट्स को अगर आ रहे हैं पहली बार और आप साथ में नहीं हो, तो उनको बोल देना कि आसपास लोगों से बात करें। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो जब आके अप्रोच किए और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये ऐसे प्रॉब्लम है। उनको लगेज भी नहीं मिल रहा था, मैंने उनको बताया कहाँ पे लगेज मिल सकता है, लकीली उनको भी मिल गया लगेज, तो एवरीथिंग वॉज फाइन। तो लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर आपका होता है एग्ज़िट। तो एग्ज़िट के टाइम पे क्योंकि हमारे पास डिक्लेयर्ड आइटम था, तो हमको भेज दिया गया CBSA वालों के पास। अलग सा रूम था, वहाँ पे हम जब गए तो एक लेडी ऑफिसर बैठी हुई थी, बहुत ही पोलाइट तरीके से उसने हमसे बात किया और हमसे पूछा कि हम लोग क्या लेके आए। तो जो भी हमारा चीज था, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमने उसको डिक्लेयर किया और क्योंकि वो वेल विद इन परमिसेबल लिमिट था, हमको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। अब जानकारी के लिए, अगर आप आ रहे हो 7 दिन से ज़्यादा, आप कनाडा से बाहर हो और आप $800 से ऊपर कुछ वैल्यूबल लेके आ रहे हो, तो आपको वो बताने पे उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको ड्यूटी पे करना पड़े। तो आपको ध्यान रखने की बात ये है कि $800 से ज़्यादा अगर वैल्यूबल है तो आपको डिक्लेयर तो करना ही है। अगर नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा भी केस जानता हूँ जहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर उनके साथ जांच पड़ताल हुई और उनको हैवी फाइन पे करना पड़ा। नाउ रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन केस ऑफ लिकर, ये मेरे दिमाग में सवाल था, तो मैंने सीधा CBSA के ऑफिसर से पूछा कि लिकर जो है वो कितना अलाउड है कनाडा के अंदर। तो इंडिया में अगर आप जा रहे हो तो पर पर्सन 2 लीटर ऑफ लिकर आप लेके जा सकते हो। कनाडा में वैसा नहीं है, कनाडा में थोड़ा डिफरेंट है। 1.14 लीटर ऑफ लिकर या आप 1.5 लीटर ऑफ वाइन लेके आ सकते हो कनाडा में। अगर उससे ऊपर है तो फिर वो एक्सेस हो जाता है, फिर आपको हो सकता है कि उस पे कस्टम्स पे करना हो, तो आप ये ध्यान में रखना। एक बार ये प्रोसेस हो गया ना, उसके बाद सीधा एग्जिट है। और जैसे हम ऊबर ले रहे थे, हम पूरा साइनेज बिल्कुल क्लियर है आपको कहाँ जाना है करके, अगर आप बस ले रहे हो, ऊबर ले रहे हो, रेंटल टैक्सी ले रहे हो, हर किसी का साइनेज क्लियरली लिखा हुआ है। कोई भी डाउट है आप किसी से पूछ लो, वो भी आपको दिखा देगा। हम ऊबर वाले बे में आए, अपना ऊबर ऐप से गाड़ी मंगाए, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था, ऊबर XL हमने ऑर्डर किया और ये बड़ा गाड़ी आया हमारे पास जिसमें पूरा का पूरा लगेज हमारा आ गया। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, आप जब एयरक्राफ्ट से निकलते हो टू आपके गाड़ी तक आते हो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अब बाकी की वीडियोस भी देखो, मैं क्योंकि एवरीथिंग इज़ फ्रेश इन मेमोरी, मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा। ये स्पेसिफिक वीडियो था, अगर आप आ रहे हो, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, तो आप उनको ज़रूर फॉरवर्ड करना, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपका। अगर कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो कमेंट सेक्शन यूज़ करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।